मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 11 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर में आपके, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं हमने और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है समझाए कि शिक्षा में निवेश, अगर सरकार शिक्षा में निवेश करती है तो उससे आर्थिक समृद्धि कैसे होगी, किस प्रकार होगी, किस प्रकार प्रभावित करेगी। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है कि अगर सरकार शिक्षा में पैसे खर्च करती है तो उससे आर्थिक समृद्धि कैसे हो सकती है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे उत्पादन को बढ़ता है, यानी उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर जो सरकार है वो शिक्षा पर व्यय करती है, शिक्षा में निवेश करती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, जो काम कर रहे हैं लोग उनकी शिक्षा की वजह से उनका जो कुछ वो है कौशल है, या आप कह सकते हैं उनका टैलेंट है, वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो उसका जो प्रयोग है बहुत अच्छे तरीके से करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक इंजीनियर है जो कि वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, और एक इंजीनियर है जिसने इंजीनियर के पास रह के सीखा है या उसने देख कर सीखा है, तो कौन बेटर काम करेगा। तो इसी मायने में शिक्षा जो है उस बंदे को एक प्रोफेशनल बना देती है और फिर उससे वो काम बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। एक वो बंदा जिसने ट्रेनिंग लेके कृषि कर रहा है और एक वो बंदा जो ऐसी कृषि कर रहा है, तो ट्रेनिंग वाला बंदा जिसने कुछ सीखा है वो मस्त करेगा, ठीक है। तो यहां से उत्पादन क्या है, बढ़ता है। बात करते हैं शिक्षित तथा कुशल श्रमिकों को लगाने पर संसाधनों का बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, संसाधनों का और अच्छा प्रयोग हो सकता है। ये अर्थव्यवस्था में क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। एक नॉर्मल बंदा काम करे और एक पढ़ा लिखा बंदा काम करे, या उस फील्ड में एक प्रशिक्षण लेके बंदा काम करे, तो वो अच्छा काम करता है। एक शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि करेगा, जैसे मान के चलो उसको शिक्षा दी गई है तो वो ज्ञान को है वो अपने खेत में लगाएगा, अगर खेत से रिलेटेड शिक्षा मिली है फैक्ट्री में लगाएगा या दफ्तर में प्रयोग करेगा। आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बात यह है कि अगर शिक्षा पर सरकार व्यय करती है तो वो बंदा जो है टैलेंटेड हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, जिससे वो काम जो है वो अकुशल व्यक्ति से बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में, वो क्या है, कुशलता तथा उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी अगर हम मानव पूंजी पर, सरकार मानव पूंजी पर निवेश करती है तो उससे कुशलता भी बढ़ती है और उत्पादकता भी बढ़ती है। कुशलता तो बढ़ी जाएगी लेकिन उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, ठीक है। तो मानव पूंजी में निवेश करने से कुशलता भी बढ़ जाती है और उत्पादकता भी बढ़ जाती है, इस प्रकार लोगों को अधिक आय प्राप्त होता है, ठीक है। अब मान के चलो वो बंदा जो सिंपल बंदा था लेकिन उसने पढ़ लिख कर अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आय भी अधिक अर्जित कर रहा है, ठीक है, यानी उसकी इनकम भी क्या हो रही है, ज्यादा वो प्राप्त कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, मानव पूंजी बढ़ेगी, ठीक है, उत्पादकता ही बढ़ेगा। केवल श्रम उत्पादकता तो बढ़ती है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, भावी आविष्कारों तथा खोज के लिए प्रेरित करती है। मान के चलो कोई एक ऐसा बंदा है जो उसको सिर्फ वही काम आता है, उसको आगे पीछे का नहीं पता, उसको ये पता है कि मैं यह काम कर दूंगा, आप उसे अनस्किल्ड कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्किल्ड बंदा उस काम को करता है तो क्या होगा, वो भावी चीजों को ध्यान में रखकर करेगा, उसको लॉन्ग टर्म सोच रखेगा, उसे ये पता चल जाएगा कि अगर आज मैं ये काम कर रहा हूं तो भविष्य में इसका क्या अंजाम होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है। बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, ये क्या है, ये है दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, अगर आप विद्वान हो तो आपकी सोच कैसी होगी और व्यवहार कैसा होगा। एक तरफ जो नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसका सोच कैसा होगा, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो शिक्षा है उसमें निवेश करने से क्या होता है, दृष्टिकोण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। एक विद्वान है जो कुशल लोगों का दृष्टिकोण है, उनका विचार व्यवहार आधुनिक होता है, नए टाइप का होता है, वो पुराने परंपरागत चीजों को, जो गलत है पुराने परंपरागत चीजें, उनको बदलने की इच्छा रखता है। वह स्थान तथा नौकरी का विवेकशील चयन करता है, वो एक अच्छा स्थान चुनेगा अपने काम के लिए, वो एक अच्छी नौकरी चुनेगा अपने हिसाब से, ठीक है।
तो यानी उसमें गुण आ जाते हैं अच्छे काम करने के, उसका जो दृष्टिकोण है वही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, बात करें हम जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता दोस्तों अच्छी सुधरेगी, सिंपल सी बात है। आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, जीवन की निम्न गुणवत्ता, यानी कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पुराने समय के जो लोग थे वो अपनी सारी आय क्या करते थे, अपने बेसिक नीड्स में लगा देते थे, कपड़ा, रोटी, मकान, और उसके बावजूद भी वो चीजें अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब बंदा पढ़ लिख जाएगा यहाँ पर तो उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो सुधर जाएगी। कैसे? देखिए, शिक्षा जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। शिक्षा प्राप्त की, एक अच्छी जॉब लगी, बस जीवन की गुणवत्ता सुधर गई, वो सभी चीजें कर सकता है जो वह सोच रहा है, क्योंकि ये उचित रोजगार लेगा, वो पढ़ा लिखा है तो एक अच्छा रोजगार मिलेगा, ऊंची आय होगी, आय भी निम्न नहीं होगा, अच्छी आय मिलेगी उसे, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर सकता है, और वो जो चाहे अपनी लाइफ में वो कर सकता है, उसका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, उसका जो जीवन स्तर है वो बेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर में, अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उनका संक्षेप में विवरण दीजिए। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गरीबी बहुत है भारत में, उस गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उन कदम के बारे में बताओ, उस योजना के बारे में बताओ। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे सिंपल सी कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी मुख्य निम्नलिखित उपाय हैं वो अपनाए हैं, तो उन्हीं में से हम कुछ उपाय जो है यहाँ पर बताएंगे। फर्स्ट उपाय है अपना लघु तथा कुटीर उद्योग, यानी सरकार ने क्या है लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि तुम छोटे छोटे काम करो। ठीक है, अपने घर में रोजगार करो, स्वयं का रोजगार करो, बड़ा बिजनेस नहीं तो कम से कम छोटा छोटा जो है वो काम करो, जिससे तुम्हारी निर्धनता है वो थोड़ी खत्म होगी और तुम्हारी जो स्थिति बेरोजगारी की है वो कम होगी और तुम्हें एक रोजगार का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो सरकार ने निर्धनता को और बेरोजगारी को कम करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किया है। ठीक है, स्वयं रोजगार योजना को प्रोत्साहन दिया है कि तुम्हें खुद ना खुद, स्वयं ना स्वयं कुछ ना कुछ तुम्हें करना है, उसके लिए काफी धन भी व्यय किया है सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, बात अगर हम कर ले अब टू के ऊपर में, ठीक है, हमारा जो पॉइंट नंबर टू है वो देखते हैं क्या है, तो वह है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये योजना जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये योजना यहाँ पर है दोस्तों, अप्रैल 1999 में, ठीक है, यानी अप्रैल 1999 में क्या हुआ था दोस्तों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, इस योजना को हटा दिया गया था और इसके जगह पर जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर एक अन्य व्यापक योजना जो है वो आरंभ की गई थी, और वो योजना कौन सी थी, वो थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, तो इस योजना में क्या हुआ था, इसको आरंभ किया गया था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो देखते हैं क्या है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था गरीब जो लोग थे ना उनको रोजगार उत्पन्न कराना, यानी कि उनको रोजगार प्रदान करना। ठीक है, कुछ ऐसी संपत्ति का निर्माण करना, स्थायी संपत्ति का, जिनसे उनको बुनियादी ढांचा प्रदान हो और उसे क्या है कि एक जो कंटिन्यूस उसे काम मिलता रहे, एक ऐसी परिसंपत्ति का निर्माण करना। ठीक है, और ये योजना जो गांव के पंचायत होते हैं उनके द्वारा लागू किया जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसके अंतर्गत गांव में गरीबों को निरंतर रोजगार प्रदान करना था और स्थायी परिसंपत्तियों तथा बुनियादी ढांचों का निर्माण कराना था। यह योजना गांव के पंचायतों द्वारा लागू किया जाना था। तब वो समझ में आ गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत गांव के लोगों को रोजगार देना था और समृद्ध बनाने की थोड़ी सी कोशिश थी, बेरोजगारी को खत्म करने की पूरी कोशिश थी। ठीक है, बात करते हैं हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नाम से पता चल रहा है हमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कम से कम चीजें जो है जो बेसिक नीड्स है उनको अवेलेबल कराना,
पांचवी योजना में क्या हुआ था, निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए इस योजना को अपनाया गया था। पांचवी योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, बेटर बनाने के लिए इस योजना का कार्यक्रम को लागू किया गया था। इसमें क्या था दोस्तों, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है शुरू की, ठीक है, आप कह सकते हो जो बेस होता है बच्चों का वो वहां से पढ़ाई कराना, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण में स्वास्थ्य और ग्रामीण की सड़कें, यानी इस शिक्षा के अंदर कम से कम आवश्यकता कार्यक्रम यानी बेसिक नीड्स को उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का या आप कह सकते हो इस योजना का उद्देश्य था मेन, ठीक है। अगर हम बात कर ले अब नेहरू रोजगार योजना, तो ये नेहरू रोजगार योजना में क्या था दोस्तों, जो आपने देखा जो एक होते हैं ग्रामीण निर्धन लोग, ठीक है, जो गांव में होते हैं, और एक होते हैं शहरी निर्धन लोग जो शहर में आ जाते हैं किसी कारण, फॉर एग्जाम्पल व्यवसाय के कारण, काम के कारण, या आप एक तरह से मान सकते हो पढ़ाई के कारण, या उनके जहां पर वो पहले से रह रहे हैं वहां पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ रही है उसके कारण, ठीक है, तो वो आ जाते हैं शहर में और उनके पास वो शहर में उनके पास रोजगार नहीं होता, जिसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। तो नेहरू रोजगार योजना का मोटिव था, मेन उद्देश्य यही था कि उन लोगों को वो क्या है, रोजगार उत्पन्न कराएंगे। श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर सरकार ने शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों को, शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए नेहरू योजना शुरू की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो शहर के जो बेरोजगार लोग थे, शहर में जो रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति थे, उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, सिंपल है। बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर में, सबसे ज्यादा सिंपल, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना में क्या था, जो भी बंदा शिक्षित है, ठीक है, जिसने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर रखी है, वो भी बेरोजगार होते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा है ये सिस्टम, तो उन लोगों को रोजगार दिलाना, युवाओं को जो कि शिक्षित है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ये योजना बनाई गई थी। और 1999 में तक 9.7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जितना भी था, ठीक है। दोस्तों टाइम बहुत कम है, आपके कुछ लिमिटेड ही एपिसोड रह रहे हैं, एक एपिसोड और आएगा शायद थ्योरी वाला, ठीक है, इसका अगला एपिसोड जो होगा वो थ्योरी का होगा, और उसके बाद जो है बाकी फिर हम एमसीक्यू के बनाएंगे आपके एपिसोड, और टाइम बहुत कम बाकी है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो कर सकते हैं इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दे जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।